फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुचिज क्रिएटिव आउटलुक। और आज मैं आपके लिए एक स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। स्पाइसी पनीर बनाएंगे आज हम, और उसके इंग्रेडिएंट्स देख ले फिर। तो ये हैं हमारे उसके इंग्रेडिएंट्स। ये नियर अबाउट 300 ग्राम्स मैंने पनीर है जो क्यूब्स में कट करके रखा है। ये कर्ड लिया है मैंने। ये राइस फ्लावर है, ये कॉर्नफ्लावर है, लेमन जूस, ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता एंड कोरिएंडर दोनों मैंने एक ही इसमें रख लिया है। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है। ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा हल्दी, ये गरम मसाला, ये धनिया पाउडर एंड दिस इज़ रोस्टेड जीरा। ये हम टेम्परिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये स्प्रिंग अनियन है, ये गार्लिक है, ये ग्रीन चिलीज हैं, और साथ में धनिया एंड अगर आप कोई और ऑरिगैनो या कुछ डालना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं, और थोड़ी सी मैं रेड चिली, जो साबुत रेड चिली होती है, वो भी यूज़ करूँगी मैं। आइए अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। पनीर है, पनीर में हम सबसे पहले सॉल्ट डालने लगी मैं। अभी थोड़ा ही रखूंगी, बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी देख लूंगी। रेड चिली जेनरसली डालूंगी बिकॉज थोड़ा सा स्पाइसी, उसका कलर वाला भी अच्छा आएगा, स्पाइसी रहेगा। वैसे ये कश्मीरी रेड चिली ज़्यादा स्पाइसी होती नहीं है। और ये थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ मैं, सिर्फ उसका कलर एनहांस करने के लिए। ये गरम मसाला, ये नियर अबाउट हाफ टीस्पून था। ये 1 टीस्पून के आसपास मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये ज़ीरा पाउडर, रोस्टेड ज़ीरा था ये। अब यहीं पे इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर, कॉर्न स्टार्च इसको क्रिस्पी बनाएगा, और साथ ही साथ इसको बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा। ये कर्ड डाल रही हूँ मैं, कर्ड में भी ये नियर अबाउट 2 टेबलस्पून आई मेरा, कर्ड डाल दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं अभी डाल रही हूँ इसमें। और जो कड़ी पत्ता और धनिया लिया था मैं, वो थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता तो सारा ही डाल दिया मैंने, धनिया मैंने अभी थोड़ा डाला है। मैंने लेमन जूस निकाला था, मैंने वो भी डाल दिया। था पानी डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से और अच्छे से इसको लग जाए, पनीर को लग जाए। ये थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और बचा हुआ जो राइस फ्लोर मैंने रखा था वो भी मैंने डाल दिया अब इसमें। जैसे आप ये देख सकते हैं, अभी इस पर मसाला अच्छे से लग गया है, ये मसाला अच्छे से इस पर लग गया है, तो यही मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी। बस अब मेरा ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूंगी। ये जो है रेसिपी, ये कुछ कुछ पनीर 65 की तरह ही है इसको, लेकिन मेरा वर्जन ऑफ पनीर है स्पाइसी पनीर। मैं इसको स्पाइसी पनीर की तरह ही बनाती हूँ, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये पनीर मैंने फ्राई कर ली है, अब बस इसकी टेम्परिंग करने लगी हूँ, तो चलिए टेम्परिंग देख लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, 2 लाल मिर्च सूखी ड्राई डाल ली है इसमें, और साथ ही मैं इसमें गार्लिक डालने वाली हूँ। ये गार्लिक मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, ये फाइनली चॉप अनियन है मेरा बहुत। अब ये थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसमें थोड़ी सी सेसमे सीड्स डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा, प्लीजिंग लगेगा, और थोड़ा सा ये सौते भी हो जाएगा इसके साथ। बस ये डाल दिया, बस यही स्टेज पे मैं इसमें ये डालने लगी हूँ, पनीर डाल दिया मैंने अपना। हल्की सी बस टेम्परिंग ही करनी है इसकी। ये जो मैंने बचा हुआ मेरा धनिया था वो भी डाल रही हूँ। तो ये मेरा स्पाइसी पनीर बनके तैयार है।
आप भी बनाइए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और बाकी रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, एक और बात बतानी थी कि क्योंकि मेरे चैनल का नाम रुचिज क्रिएटिव आउटलुक है, तो रेसिपीज तो आती रहेगी, इसके साथ साथ मैं अब आपको अपनी और क्रिएटिव साइड दिखाना चाहूँगी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जल्दी ही मैं और चीज़ों के साथ भी आऊँगी, और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आपके साथ और वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू।